हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार सत सलाम दिस इज अमित कपूर आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ राहु केतु का गोचर जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु केतु अपना साइन चेंज कर रहे हैं 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु गोचर करेंगे एरिस में केतु गोचर करेंगे टॉरस साइन में और ये हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं और अठारह महीने इनका एक हाउस में गोचर होता है और राहु केतु का गोचर जिन लोगों के ऊपर राहु केतु की महादशाएं चल रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने लाइफ को प्लान करेंगे अट्ठारह महीने उनके लिए कैसे आने वाले हैं राहु केतु शेडो प्लानट है राहू केतु इज नॉट ए प्लैनट इट्स ऑल अबाउट शेडो आप ये समझ लें कि ये छाया है तो इंसान की जिंदगी पे आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु की क्या प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट्स मिलते हैं अब गोचर में ये राहु एरिस में जा रहे हैं जो कि मंगल की राशि है केतु जो है वो तुला राशि में जा रहे हैं लिब्रा में जा रहे हैं जो कि शुक्र की, की राशि है तो ये कॉम्बिनेशन जो बनने जा रहा है किसी लगन के लिए अच्छा है किसी लगन के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग है तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रोडिक्शन से मेरी प्रोडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ अपनी लगन राशि को अपने दिमाग में रखें मेरे वीडियोज को सुने यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू राहू केतु ट्रांजिट इन एंड लिवरा सो आज मैं बात करने जा रहा हूं सैनिटेरियस से असेंडस की यानी कि धनु लगन की देखें धनु लगन के लोगों के लिए खास करके राहु का गोचर जो है पंचम भाव में होने जा रहा है बारह डेट होगी बारह अप्रैल बीस से लेकर तीस अक्टूबर बीस तक केतु का गोचर आपके इलेवंथ हाउस में होने जा रहा है जो कि बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है केतु की आपके इलेवंथ हाउस में डेट होगी 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का राहु का गोचर आपके पंचम भाव पे और राहु की दृष्टियां आपके नाइन्थ हाउस पे आपके इलेवंथ हाउस पे और आपके लगन पे होगी राहु का गोचर फिफ्थ हाउस में आपके लिए ज्यादा योग कारक नहीं है जो लोग स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा एफर्ट्स करना पड़ेगा रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे आप चाहते हैं आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट आपको मतलब की लिमिटेड रिजल्ट ही मिलेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिलेंगे स्ट्रगल आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेगी पैसे की आवक बनी रहेगी लेकिन खर्चा भी साथ में होता रहेगा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुआ कुछ काम करते हैं जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए काम करते हैं जो लोग जर्नलिस्ट है या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ

आप मैरिड हैं, आप कपल हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इन अठारह महीने में बहुत ज्यादा के करें अपने नियर एस्ट्रोलॉजर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कुछ ना करें क्योंकि राहु का गोचर पंचम भाव में आपके प्लानिंग्स को खराब करेगा आपकी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं जो भी आप सोच कर बैठे हुए हो कि आपको ये करना है उसमें राहु केतु का गोचर हडल्स लेकर आएगा देखिए राहु का गोचर आपको आकस्मिक स्टॉक मार्केट से धन लाभ भी देगा अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है या आप इंट्रा करते हैं या आप किसी किस्म के क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं और आपका सेनेटेरियस असेंडस है राहू का गोचर आपके पंचम भाव में आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट देगा अनएक्सपेक्टेड मॉनिटरी गेन्स भी होंगे यहां पर लॉस होने के भी चांसेस

अगर बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आकस्मिक धन हानि के योग भी बनेंगे ये सारा समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा हार्ड वर्क लेकर आएगा एजुकेशन अगर आप, आप हासिल करना चाहते हैं तालीम के मामले में ये समय बहुत स्ट्रगलिंग है स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत स्ट्रगलिंग है अगर आप कंपिटिशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो इस समय आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा आप स्टडी पर फोकस ना कर सकेंगे माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा हेल्थ आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है राहू का गोचर पंचम भाव में बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके बच्चों के साथ आपकी टाइम बिगड़ सकता है अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ अच्छा हो लेकिन वो बन ना पाएगा क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में घर का माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है थोड़ा संभल के चलें किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व ना हो खास करके अपने बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई जिद ना करें अपने बच्चों के साथ किसी किस्म का कोई भी ऐसी मतलब कि उनकी चीज़ों को आप अगर मानेंगे उनकी जरूरतों को अगर आप पूरा करते रहेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा अदरवाइज बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं उसी तरीके से केतु का गोचर आपके एकादश भाव में है जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द केतु है इलेवंथ हाउस में सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ती जाएगी अगर आपके ऊपर केतु की महादशा या अंतरदशा है यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी मल्टीपल सोर्स से रहेगी रिसोर्सेज आपको मिलते जाएंगे फ्रेंड सर्कल आपका वाइल्ड होगा दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी दोस्तों के साथ आपकी नई टाइप आप हो सकती है नया पार्टनरशिप बिजनेस आप दोस्तों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ नए दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको बड़ी अच्छी एडवाइस देंगे केतु का गोचर एकादश भाव में आपको बड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा धर्म कर्म की ओर आपका ध्यान बहुत ज्यादा जुड़ेगा ये सारा समय आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा अगर आपके ऊपर सात साल की केतु की दशा चल रही है आपका धरूलगन है और केतु आपके इलेवंथ हाउस में करने वाले हैं तो ये टाइम आपका गोल्डन पीरियड होगा हर तरफ से सुख समृद्धियां आपको मिलेंगी मनोवांक फलों की प्राप्ति होगी इच्छा पूर्ति होगी आपका हार्ड वर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा जो आप एफर्ट्स करेंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे ये सारा समय आपके लिए गुड फेम लेकर आएगा नेम फेम लेकर आएगा आपके द्वारा किए गए स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे आपके गोल्स पूरे होंगे आपकी जो भी डिजायर है जो भी विश है जो भी आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंग केतु आपको यहां पर बड़े ही यू नो सडन प्रॉफिट्स और सडन आपको रिजल्ट देंगे आपके डिजायर्स पूरे होंगे आपकी इच्छा पूर्ति होगी आपको हर तरह से सुख समृद्धि मिलेगी और आपका माइंड जो है वो फोकस करेगा इस समय आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा इस समय आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी इन लॉस के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे रहेंगे हो सकता है केतु के गोचर में बारह अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए आपके लॉ से मिले या आपके फादर की साइड से मिले लेकिन आपको कुछ इनहेरिटेंस जरूर मिलेगा क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में है स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी ये सारा समय आपके लिए आपका भगवान की ओर आस्था आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मंदिर गुरुद्वारा जाना आप शुरू कर देंगे धर्म कर्म को मानना आप शुरू कर देंगे चैरिटी आप करेंगे इस समय आपके लिए हर लिहाज से खुशियां लेकर आने वाला है आपकी हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होती जाएगी आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे जहां पर राहु की स्थितियां आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है वहीं पर केतु की स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल है अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके ऊपर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बारह अप्रैल के बाद आप कर, आप कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग गेन्स आपको रहेंगे इज्जत में इजाफा होगा आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे क्रिएटिविटी के आप बहुत ज्यादा अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हैं ये सारा समय आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे जितना ज्यादा सेडिटेरियस हार्डवर्क करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे केतु का गोचर एकादश भाव में और उसकी दृष्टियां आपके थर्ड हाउस पे आपके फिफ्थ हाउस पे और आपके सेवंथ हाउस में रहेंगी थर्ड हाउस पे केतु की दृष्टि रहेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा आपके अंदर एक यू नो एक जिसको हम बोलते हैं आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे आप एफर्ट्स बहुत ज्यादा करेंगे और वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे केतु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी लव रिलेशनशिप में थोड़ा केयरफुल होकर के चलें आपका रिश्ता खराब हो सकता है आपके टाई अप आपके स्पाउस के साथ आपके लव्ड वन के साथ खराब हो सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी रुक जाए ये समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि राहु पंचम भाव में ऊपर से केतु का आस्पेक्ट यह समय आपके लिए कुछ हर्डल्स और प्रॉब्लम्स लेकर आएगा हो सकता है आपको डॉक्टर की हेल्प आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़े या आपको कुछ यू नो मेडिकल हेल्प के थ्रू आपका बेबी हो ये समय अगर अठारह महीने आप रुक जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा खास करके उन लोगों के लिए जिनका धनु लगन है और राहु केतु की अगर दशाएं चल रही अब केतु की तीसरी दृष्टि आपके सातवें घर पे होगी आप अपने बिजनेस के साथ बना के रखें बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़े ना किसी किस्म के मन मटाव का हिस्सा ना बने अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दें स्पाउस की बातों को अंडरस्टैंड करें स्पाउस को टाइम दें बिजनेस रिलेशनशिप में लोगों के साथ तलखी ना दिखाए नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे ये सारा समय सेनेटेरियस आपके लिए मिक्स रूट लेकर आएगा जहां पर केतु वेल प्लेस्ड है आपके इलेवंथ हाउस में गोचर करेंगे और आपको मनोवांछित इच्छों की प्राप्ति होगी आपके गोल्स आपके डिजायर्स आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे दोस्तों की हेल्प से आपको काफी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे आपकी इच्छा के मुताबिक आपको यहां पर गेंस होंगे और वहीं राहु का गोचर पंचम भाव में आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा उस तरह के रिजल्ट्स आपको ना मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए आई एम प्रेंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्कार सत सलाम जय हिंद